नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के बिहार शरीफ में एसपी ऑफिस से 300 मीटर दूरी पर ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दुकानदार को 6 गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की रकम को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना के बाद मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंच गई। मामला सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी की है। गोली लगने के बाद सुहागन ज्वेलर्स के मालिक सुमन कुमार का चिंटू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी हालत को देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। लगातार गोली चलने से घटना स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में लोग दुकान के पास जुटे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले तो 5 बदमाश खरीदार बनकर दुकान के अंदर घुसे थे। उसके बाद दुकानदार और बदमाशों में बहस हुई और उसके बाद झड़प हो गई। कुछ ही देर में बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। इसके बाद फायरिंग करते हुए मौके पर से फरार हो गए। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। दुकानदार के परिजन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दिन दहाड़े हुई लूट से लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। अचानक मैंने देखा कि 4 आदमी जो है दुकान से बाहर निकले। एक आदमी के हाथ में उनका कैमरा का DVR है और फिर पीछे से चिंटू जो होते हैं दुकानदार है वो अचानक फिर बाहर आया। वो बाहर आए तो गिर गए तो उसी जगह क्या है ना कि गोली जो है फायरिंग करने लगा उन पर डायरेक्ट। फायरिंग करते हुए फिर हॉस्पिटल मोड़ की तरफ चारों निकल पड़े। एक उसमें से पीला कलर का टी शर्ट पहने हुए था जो पीछे में गाड़ी पे बैठा। एक ही बाइक पे चारों लगता है बैठ चारों बैठा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। लूटपाट भी किया था क्या? लूटपाट भी किया था? लूटपाट तो हम सब नहीं देख पाया कि दुकान में लूटपाट किया कि नहीं। वो तो लूटपाट का हम नहीं देख पाए। बस हम लोग जो है कि जहाँ तक है हम पीछे से दौड़े तो वही पकड़ने की कोशिश किए तो पीछे भी फायरिंग करते हुए वो निकला। उसमें हम भी बचे हैं। क्या नाम लिखते हैं? सुमन कुमार। लगभग 4:15 बजे अपने दुकान में थे। 4 अपराधी आए थे 2 बाइक से और उन्होंने जो है ये घटना कारित की है। अभी तक जो हम लोग जांच कर पाए हैं अभी वो इलाजरत हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनका बयान नहीं लिया जा सका है लेकिन अभी तक जो हम लोग जांच कर पाए हैं उससे ये लग रहा है कि अपराधी जो है वो कुछ समय यहाँ रुके हैं और उसके बाद उन्होंने ये घटना की। हम लोग सभी एंगल्स पे देख रहे हैं और दुकान जो है वो जैसा आप देख रहे हैं ये दुकान छोटी दुकान है और इसमें जो है जो सामान है वो जैसा का तैसा है। बस DVR यहाँ से ले जाया गया है लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ है ये उनके बयान के बाद हो पाएगा या और शिनाख्त के बाद हो पाएगा हम सभी एंगल्स पर देख रहे हैं। कितने की संख्या में थे? जैसा अभी तक पता चला है कि 4 की संख्या में अपराधी थे और वो आए और कुछ समय रुके हैं और उसके बाद ये जो है वो घटना की। कितने बुलेट लगी है सर दुकानदार? ये अभी देखना पड़ेगा लेकिन उन्होंने कई राउंड से यहाँ फायर किए हैं लेकिन अभी तक जो पता चला है जो बात हो पाई है तो उनको एक गोली लगी है और वो भी इलाजरत। अपराधी का सर गाड़ी बरामद हुआ है? एक गाड़ी यहाँ उनकी छूट गई है तो उसको हम देख रहे हैं।